BMI या फिर BGM या फिर BGMI बोलो, कुछ भी बोलो, है तो अपना PUBG। तो यहाँ पर PUBG मोबाइल इंडिया के बारे में नई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी गेम प्ले के स्क्रीनशॉट, इसका फाइल साइज, इसकी प्ले स्टोर की लिंक, इसका मैप और इसके गूगल प्ले स्टोर की लिंक और इसके APK के बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो आओ चलता है लॉबी में और देखते हैं। तो इसके जो प्ले स्टोर की लिंक है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऑफिशियल है ये, मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये अभी जो है इसकी जो लिंक प्ले स्टोर की मैं दूंगा वो अभी लाइव नहीं है, वो सिर्फ तभी लाइव होगी जब इसका प्री रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। लेकिन बीच में जो है वो ये स्टार्ट हो गई थी, अभी उस लिंक को प्राइवेट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ट्राई कर लेना आप खुल जाता है तो। लेकिन जैसे ही आप इसको खोलेंगे कुछ इस तरह का आपको लोगो देखने को मिलेगा, ऑफिशियल लोगो है और इस तरह का कुछ स्क्रीनशॉट और अबाउट देखने को मिलेगा। तो इसका अबाउट दिखाऊं तो इसके अबाउट में कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो मैं सब कुछ आगे आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा। और इसके अबाउट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो आपका PUBG देखने को मिलता था वही सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी, चाहे वो TDM हो, ज़ॉम्बी मोड हो और काफ़ी सारे मैप्स वगैरह, 100 प्लेयर्स का क्लासिक मोड हो, सब कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब देखो इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखो ये इसके ऑफिशियल स्क्रीनशॉट है, जो इसके प्ले स्टोर पे स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दे रखा है कि ऑटोमेटिकली जो आपकी डिवाइस के हिसाब से है वो सेटिंग इसमें फिट हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये उस टाइम का है जब PUBG मोबाइल इंडिया आने वाला था, तो PUBG मोबाइल इंडिया के नाम से जब आने वाला है तब का स्क्रीनशॉट है, बस उसी का ही नाम चेंज करके बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से आ रहा है। और यहाँ पर जो क्लासिक मोड देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें क्लासिक मोड जो है वो अपडेटेड देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर साइड में मैप भी देखने को मिल रहा है, तो मैप में आपको बता दूँ, आपको जो PUBG मोबाइल इंडिया में जो PUBG मोबाइल जो नॉर्मली आपका देखने को मिलता है वही वाले आपको मैप्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपको क्लासिक वाले में कोचिंग की वगैरह, स्कूल और यहाँ पर सभी चीज़ आपको देखने को मिल रही है, प्रिजन वगैरह। तो आपको कुछ नया मैप देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है एडिशनली और देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ जो आपको पुराने मैप से देखने को मिलते थे वही मैप आपको अभी भी देखने को मिलेंगे। और उस मैप में जो लोकेशन है हो सकता है वो थोड़ी मॉडिफाई कर दी जाए। और एक स्क्रीनशॉट ये रहा उसका, यहाँ पर दे रखा है कि ब्रांड न्यू एनवायरनमेंट एंड अंडरग्राउंड वर्ल्ड फिल्ड विद डेंजर। तो हो सकता है इस बार कुछ आपको एक इस तरह का मोड देखने को मिले जिसमें आपको अंडरग्राउंड यहाँ पर बैटल वगैरह हो, तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और एक ये फाइनल स्क्रीनशॉट जो निकल कर आया है, जिसको देखकर भाई आपको दिल खुश हो जाएगा और मेरा भी हो गया। सिर्फ 610 MB का यहाँ पर इसका फाइल साइज होने वाला है, मतलब लगभग 600 MB में आपको काफ़ी कमाल का गेम देखने को मिलने वाला है, मतलब फ्री फायर से भी कम साइज का। फ्री फायर भी अब 700+ MB का मेरे ख्याल से, लेकिन अभी इनिशियली 610 MB का रहेगा, लेकिन फ्यूचर अपडेट में पता है इसका साइज बढ़ जाएगा जब नए नए फीचर्स वगैरह ऐड करे जाएंगे। तो ये मान के चलो 1 GB के अंडर तो हमेशा इसके रहना ही है, मतलब 1 GB के अंडर गेम साइज होने वाला है। लेकिन अभी जो आपको ये वाली बिल्ड देखने को मिलेगी, जो कि प्री रजिस्ट्रेशन के बाद देखने को मिलेगी, कब मिलेगी उसके बारे में आपको बता दूंगा, वो सिर्फ 610 MB की देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इसमें जो मैप्स वगैरह है और जो इसमें HD वॉइस वगैरह है, ऑडियो वगैरह है, वो आपको गेम इंस्टॉल करने के बाद अंदर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आपका गेम 610 MB में डाउनलोड हो जाएगा, खेल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो इसके बाकी मोड्स वगैरह है और बाकी चीज़ें हैं उसको आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे अलग से। तो अब इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको जो एक गेम देखने को मिलेगा वो एंड्रॉयड 5.1.1 या फिर उससे ज़्यादा वर्जन पर काम करेगा, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास होगा, मतलब एंड्रॉयड लॉलीपॉप से ऊपर की जितने भी वर्जन है उस पर काम करेगा। और सिर्फ आपको 2 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मिनिमम रैम आपके फ़ोन में 2 GB होनी चाहिए इसे प्ले करने के लिए। और एज की रेटिंग बताऊँ तो यहाँ पर 16+ होनी चाहिए, 16 साल से ज़्यादा की उम्र आपकी होनी चाहिए, और जो भी अंडर 18 है उनके पेरेंटल यहाँ पर कुछ कंट्रोल होने वाले हैं, पेरेंटल गाइडलाइंस क्या बोल रहा हूँ, पेरेंटल गाइडेंस में यहाँ पर ये गेम खेला जाएगा। अब आपको पता ही है इसका प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 मई से शुरू होने वाला है, तो 18 मई को आप प्ले स्टोर से जाकर इसमें प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्ले स्टोर की लिंक मैं अभी आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। साथ में इसकी APK की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि उसी लिंक में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही इसकी APK और OBB मेरे पास आएगी मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा, तो ध्यान साहब चेक करते रहना मेरी वेबसाइट को, वहाँ पर आपको APK और OBB की लिंक भी देखने को मिल जाएगी जैसे वो अवेलेबल होती है।
अब बात रही कि भाई ये अवेलेबल कब होगा, कब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके खेल सकते हो, तो देखो इसकी जो प्री रजिस्ट्रेशन है वो 18 मई को हो जाएगी, आप कर लेना। और इसके बाद जो है वो आपको जून के फर्स्ट हाफ में ये गेम इंस्टॉल करने के लिए देखने को मिल जाएगा, आप इसको इंस्टॉल करके खेल सकते हो। इसकी एपीके भी मैं तभी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मान के चल सकते हो 7, 8, 9 या फिर 10 जून तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ फर्स्ट हाफ जो है जून का उसमें आपको ये गेम देखने को मिल जाएगा। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में काफी सारी और भी वीडियोस आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।